आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं और उर्वी घूमी घूमी कर रहे हैं। दोपहर का टाइम हो गया है, आई थिंक 1:30 बज चुका है, और हम दोनों यहाँ पे घूम रहे हैं। आदित और आदित की नानी गए हैं मीटिंग में, कामधेनु वालों की मीटिंग है वहाँ पे, और पापा यहीं पे, पापा जाएंगे शराद खाने के लिए, हमारे पड़ोस में शराद है, वहाँ पे जाएंगे। हम लोगों ने खाना खा लिया है, मैंने भी, उर्वी ने भी, आदित ने भी शराद ही खाया है पड़ोसियों घर में, गुन्नू दीदी घर में, जो लोग गुन्नू दीदी को जानते हैं उनके घर है। गुन्नू और भानु के घर पे शराब था, आदित वहाँ पे खा के आया, और मैंने और अरु ने तो घर पे ही खाया है ना, है ना अरु, है ना अरु। चलो देख के आते बड़ी नानी क्या कर रही नीचे, है ना, देख के आते कि माता क्या कर रही है। माता बोलते हैं हम अपनी ताई को, शुरू से ही हम उनको माता बोलते हैं, माता, ताऊ को तो ताऊ ही बोलते हैं, माता बोलते हैं माता। पता नहीं शायद सोए हुए, शायद सोए हुए, सोए हुए, सोए हुए। चल पड़ी ये बू तो पूरे पंडित आई, हमारी माता है कराए कर माता। हाय, 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 हाय। आज तो लाल लाल चमकी रही चादर, ले रखा पिंक रंग रा सूट पहन रखा है लाल। तो ये ना ठाले हाथ से चादर तो ले आऊं दे नहीं है, तो ये ना लेना था लाल ही। हाँ, ताई जी तो चले गए शराब खाने के लिए वहीं जहाँ पापा ने जाना वहाँ पे, बट मैं आपको दिखाती हूँ। कंडली बोलते हैं ना, कंडाली क्या बोलते हैं उसमें, उत्तराखंडी वाली उसमें, क्योंकि मुझे बहुत लोग के कमेंट आते हैं। हमारे यहाँ पे तो चीं बोलते हैं, बिच्छू बुट्टी बोलते हैं। तो ये रही बिच्छू बुट्टी, जितने इसके ये दिख रहे हैं ना, ये चुभ जाए ना अगर, अम्मा याद आ जाती है, खतरनाक है। ये देखो इतनी सारी लगी हुई है, ये भी है, ये आगे जो लगी हुई है ना, यहाँ भी है, यहाँ। बचपन में हमारा इलाज यहीं पर इसी से होता था, मम्मियों के द्वारा। चलो चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि धूप बहुत तेज है। फूलों को देखो, जहां से मौका मिला वहां से ऐसे से लटक रहे हैं ना। देखो देखो ये क्या है, नो 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 नो, खींचना नहीं, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। तो मैंने उर्वी को सुलाना है, बट मैं आदित का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाता, तो ये भी सो जाती और वो दोनों सो जाते ही। चलिए चलते हैं अंदर। अच्छा, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है ऑनलाइन, मैंने चीज़ें मंगवाई है ना, वो भी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। और चलो बातें नहीं करते, वो दिखाती हूँ, पर पहले मैं इसको सुला देती हूँ उर्वी को, उसके बाद दिखा पाऊँगी मैं आपको ढंग से। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ आज अपनी अच्छी अच्छी कलेक्शन लेके फिर से। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा की तरह आप लोग जैसे हम लोगों से प्रोडक्ट की जो है वो मांगते रहते हैं, लिंक्स मांगते रहते हैं, तो आज भी सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई है, और अमेजोन पे जो है ग्रेट इंडियन सेल अभी चल रही है, तो उसका जो फायदा है वो आप लोग बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं अमेजोन से या किसी अदर ऑनलाइन वेबसाइट से भी, तो जब सेल वगैरह चलती है तो आपकी जो फेवरेट चीजें हैं वो बहुत अच्छे दामों में आपको मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सूट जो आप लोगों ने मुझे जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, या मैंने जो ब्लॉग बनाया था जिसमें मैं घूमने गई थी, उसमें मैंने एक सूट जो है वो पहना था, और आप लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट भी किया था उस सूट को लेके। तो वो सूट है ये वाला, जो इस तरीके से मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि कोई फिल्टर नहीं है, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है सेम वही कलर है, एक मिनट, तो सेम वही कलर जो है आपको दिखने वाला है। तो ये देखो, ये इस तरीके से है, ये व्हाइट कलर का है जो इसका कुर्ता है, और ये आपको फुल स्टिच्ड वाले जो है मैं भी दिखा रही हूँ। इसमें आपको व्हाइट कलर का ये कुर्ता मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें इस तरीके से ये बूटी वर्क मिल जाता है, जो कि प्रिंट है, पैच नहीं है, मतलब कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, ऐसी प्रिंट है ये। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है, गोल से ये गला है, आगे आपको इस तरीके से डिजाइन मिल जाएगा गले में, साथ ही साथ यहाँ पे ये पट्टी सी बनी हुई है ये, और स्लीव जो है अगेन आपको
3/4 मिल जाती है। और ये वाला जो यहाँ पे बाजू में जो वर्क हुआ है, वर्क नहीं है ये पैच, मतलब कपड़ा है अलग से, यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे अलग से ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये मिल जाती है। तो इसका जो बॉटम है ये इस तरीके का है, जिस जैसा इसकी बाजू पे आगे वाला ये डिजाइन है वो, तो अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे कमीज के जो बॉर्डर है इस पे भी ये प्रिंट मिल जाता है, और पीछे वाली साइड पे सेम ये प्रिंट मिल जाता है, पीछे वाले पल्ले पे भी प्रिंट मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है पहनने के लिए क्योंकि प्योर कॉटन है, और आपने देखा भी था कि मैंने ये पहना हुआ था। तो इसका जो प्लाजो है वो हमें मिल जाता है इस तरीके से, और इसमें नीचे भी ये वाली ये जो लेस टाइप जैसे बना हुआ है डिजाइन ये मिल जाता है। और तो प्लाजो जो है वो बिल्कुल प्लेन है और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। साथ ही साथ इसमें ये दुपट्टा है जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, साथ ही साथ फुल लेंथ दुपट्टा है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इस तरीके से पूरा नहीं ले सकते या साइड को ही लेना पड़ेगा, जैसे भी आप इसको स्टाइल करना चाहें अपने सूट के साथ उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है इसका दुपट्टा। और चलिए बात करते हैं, पहले सूट दिखाऊं या कुर्ती? चलो सूट दिखा देती हूं पहले। दूसरा ये सूट है जो मैंने अभी तक पहना नहीं है, तो इसे मैं किसी स्पेशल ओकेजन पे या मैं आपको वैसे कभी पहन के दिखा दूंगी। तो ये वाला जो सूट है इसका कॉटन भी नो डाउट बहुत अच्छा है, और ये आपको थोड़ा थोड़ा यूं कहें कि बांधनी प्रिंट जो होता है उस तरीके मिल जाता है आपको। तो चलिए मैं पूरा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने हिसाब से ये एक्सेल साइज मंगवाया है, और ये वाला जो है ये एक्सेल मुझे थोड़ा सा लूज है, लेकिन ये जो पहले वाला सूट था ये एक्सेल मुझे परफेक्ट फिट है, तो मैंने मंगवाया एक्सेल। ये हल्का सा लूज है, इसमें हल्की सी फिटिंग मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ही बढ़िया वाला कपड़ा है, और ये इस तरीके से नेवी ब्लू सा कलर है, गोल्डन कलर और व्हाइट कलर में प्रिंट मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से ये गले पे ये पट्टी मिल जाती है, गोटा पट्टी, समोसा लेस जो भी आप बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ पे ये बटन मिल जाते हैं छोटे छोटे से, जो कि थर्माकोल बटन्स होते हैं वो है ये, और इस तरीके से है। अगेन इसमें जो स्लीव्स है ये यहाँ तक की मिल जाती है, मतलब सेम जितना साइज इसका है उतना ही मिल जाता है, और ये जो है पूरे घेरे में मतलब ये अम्ब्रेला कट या फ्रॉक टाइप आप जिस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नीचे भी इसमें वही सेम समोसा लेस लगी हुई है, और अच्छे खासे घेरे के साथ ये देखिए अच्छे खासे घेरे के साथ ये मिल जाता है, और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने इसे ट्राई किया था बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में, और इसके साथ हमें मिल जाता है सेम इसी प्रिंट में ये प्लाजो भी। तो ये इस तरीके से लूज वाला जो है प्लाजो वो है, बहुत ही कंफर्टेबल है प्लाजो, आप देख ही सकते हो, देखने में ही लग रहा होगा कि बहुत कंफर्टेबल जो है, और कपड़ा ना इसका बिल्कुल सॉफ्ट वाला कपड़ा है, सॉफ्ट वाला, और जब इसको धोएंगे तो उसके बाद ये और भी ज्यादा सॉफ्ट होने वाला है। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो इस तरीके से व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाता है। ये देखिए इसका जो दुपट्टा है वो इस तरीके से मिल जाता है, बॉर्डर इसके ये नेवी ब्लू है और बीच से ये व्हाइट और ब्लू गोल्डन लाइंस में है, और बिल्कुल ही ये भी अगेन मैं बोलूंगी कि बहुत ही सॉफ्ट है ये दुपट्टा, और इस तरीके से हम इसको ओढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से साइड दुपट्टा बना के भी यूज कर सकते हैं। ये देखो मैं बता देती हूँ आपको इस तरीके से, और अच्छी खासी लेंथ जो है इसकी मिल जाती है, बहुत अच्छी लेंथ है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो है ये कुर्ती जो कि जिसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये इस तरीके से क्रीम कलर बोलेंगे, क्रीम कलर है और ब्लैक उसमें है। तो ये कुर्ती जो है हमें इस तरीके से मिल जाती है, इसका जो गला है आपको राउंड में मिल जाता है, साथ ही साथ ये फ्रंट स्लिट है, लेकिन साइड से इसमें कोई स्लिट नहीं है, फ्रंट स्लिट है। तो इसकी स्लीव जो है 3/4 स्लीव मिल जाती है, साथ में यहाँ पे हम लोगों को ये इस तरीके से बटन अप मिल जाता है, और ये देखो इस तरीके से है ये पूरे में, इसमें कुर्ती में ऐसे बटन लगे हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बटन्स भी इसमें मिल जाते हैं,
तो ये देखिए पूरी कुर्ती अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके की है, अनारकली टाइप है लेकिन इसमें फ्रंट्स लेता है। तो ये देखो इसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा जो है वो घेर मिल जाता है इस कुर्ते में भी, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है फ्रंट स्लेट वाली कुर्तियाँ। और घेर अगर अच्छा मिल जाए लंबी हाइट वालों को थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है। तो ये देखिए इसका जो पूरा घेर है वो इतना है। तो एक ये कुर्ती है और इस कुर्ती के साथ मैंने मंगवाई है एक लेगिंग। तो यूजुअली हमें ये जो लेगिंग है ना ये मार्केट में बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमें ये रीजनेबल प्राइसेस में अच्छे रेट्स में मिल जाती है। तो ये मैंने ये देखिए लायरा की मंगवाई है, तो प्रीमियम चूड़ीदार लेगिंग्स अगर आपको भी मंगानी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट वाला जो मटेरियल होता है वो है, बिल्कुल भी रफ मटेरियल नहीं है। और ये तो फ्री साइज आती है तो इसमें इतना ज्यादा चूज करने वाली कोई बात नहीं है कि मीडियम चाहिए। बस हाँ ये होता है कि आपको चूड़ीदार चाहिए या एंकल लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से आप जो है अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इलास्टिक जो अच्छी खासी, और लायरा का तो मैं आपको बोलूँ तो एक्सप्लेन करने की जो जरूरत है ही नहीं। तो ये मैंने ब्लैक कलर की मंगवाई है इसके साथ के लिए, तो ये भी एक सेट बन गया है। इसके बाद मैंने मंगवाया एक छोटा सा वॉलेट और वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ज्यादा। वॉलेट मैं लेके आ गई हूँ, ये जो है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है अगर आपको अपने अगर आप स्लिंग कैरी करते हो, ये नॉर्मल हैंडबैग भी यूज करते हो। कई बार हमारे जो पर्स होते हैं ना बहुत बड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्पेस जो है वो बैग में घेर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपका सामान भी पूरा आ जाए और आपका जो वॉलेट है वो भी छोटा हो तो आप ये मंगा सकते हैं। ये है फंक फॉर हायर ब्रांड का है, यहाँ पे हम लोगों को ब्रांडिंग मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना सारा कैश रखा है जैसे, तो ये है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी पॉकेट्स मिल जाती है, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपके आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है वो रखने के लिए। यहाँ पे एक कॉइन पॉकेट मिल जाती है इस तरीके से, जहाँ पे अपने कॉइन्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है साइड में इस तरीके से कॉइन पॉकेट के नीचे भी एक स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे है इस साइड में भी एक पॉकेट मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग को इस तरह लेता ना कि कई बार नोट जो है पूरा का पूरा नहीं आता, तो इसमें जितना बड़ा नोट हो वो सारा इसमें जो है वो आ जाता है इस तरीके से। और इसको बंद करो और पर्स में डाल दो तो इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगा और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने ये इस तरीके का मंगवाया हुआ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अगर आप आजकल, जैसे कि आपको पता है कि अमेज़ॉन पे ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, तो अगर आप आजकल ये खरीदते हैं आपको अच्छे अच्छे खासे जो है ये मतलब डिस्काउंट पे मिलने वाली है सारी चीज़ें। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।